ओके बेटा, विल स्टार्ट योर क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने ईडीटी टाइट्रेशन मेथड स्टार्ट किया था। ईडीटी टाइट्रेशन मेथड के अंदर मे आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी। ओके फाइन बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ईडीटी मेथड स्टार्ट किया था। हार्डनेस डोमिनेशन का मेथड है ये, जिसके अंदर हमने क्या किया था? सबसे पहले ईडीटी और ईबीटी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आफ्टर ईडीटी एंड ईबीटी स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या किया था बेटा? क्या किया था उसके बाद में? प्रिंसिपल ऑफ ईडीटी टाइट्रेशन मेथड कंप्लीट किया। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया था? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था वो था हमारे पास में हाउ, मतलब कैसे ये ईडीटी जो है हाउ ईडीटी डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो उसके अंदर हम लोगों ने कल कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसके अंदर सबसे पहला क्या था बेटा? प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस था। जिसके अंदर हमने चार सॉल्यूशंस बनाए थे। कौन कौन से सॉल्यूशंस बनाए थे हम लोगों ने? हमने फर्स्ट सॉल्यूशन बनाया था स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनाया था हम लोगों ने? जस्ट रिकॉल, वापस से बताएं मेरे को। हम लोगों ने 1 ग्राम CaCO थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ HCl के साथ में डिसॉल्व किया था टिल ड्राइनेस, उसको अपन ने ड्राई किया, देन उसको 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर के साथ में मेकअप कर दिया था 1 लीटर वाटर के अंदर। तो ये जो वाटर बना था स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, जिसकी हार्डनेस हमें पता थी, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बोला है। इसकी हार्डनेस कितनी है बेटा? 1 ग्राम पर लीटर, या वी कैन से द हार्डनेस ऑफ द स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इज व्हाट? 1 मिलीग्राम पर ml। हर मिलीग्राम जो है 1 ml के अंदर डिजोल्व है, ये चीज हम कह सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन, ईडीटी ये सॉल्यूशन एंड ईबीटी सॉल्यूशन, ये हमने चार चीजें बनाने की बना प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशंस देखा था। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन टाइट्रेशन मेथड देखा था, प्रोसीजर देखा था। प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था बेटा? प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले टाइट्रेशन की थी हमने। टाइट्रेशन की थी तो पीरियड में क्या भरा था? ईडीटी सॉल्यूशन भरा था। फर्स्ट हमने क्या किया था? फर्स्ट हम लोगों ने टाइट्रेशन किया था प्रोसीजर के अंदर बेटा। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब टाइट्रेशन किया था तो हमने क्या किया था? फॉर व्हाट, किसके लिए किया था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटी है, ईडीटी के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किया था। जिसके अंदर हमने ब्यूरेट के अंदर क्या लिया था बेटा? ईडीटी लिया था। कॉनिकल के अंदर हम लोगों ने क्या ले लिया था? 50 ml हम लोगों ने क्या लिया था बेटा? यहाँ पे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ले लिया था, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब इसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा हमें? बफर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ईबीटी का हमें ये करती है। ईबीटी इज ओनली रिएक्ट व्हेन बफर सॉल्यूशन इज देयर, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज मेंटेन। तो हमको 10 ml क्या मिलाना पड़ा था? बफर सॉल्यूशन मिलाना पड़ा था। और लास्ट में हमने क्या किया था? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी मिलाई थी। तो यहाँ पे क्या हो गया था हमारे पास में? सॉल्यूशन क्या था? वाइन रेड कलर हो गया था। फिर हमने क्या किया है इस सॉल्यूशन के अंदर? जैसे ही ईडीटीए को मिलाया था, ईडीटी को जैसे ही मिलाया तो ईडीटीए ने क्या, ईबीटी ने क्या किया? अपना कॉम्प्लेक्स जो बनाया था, ईबीटी का जो कॉम्प्लेक्स था वो अनस्टेबल था, तो क्या हो जाएगा बेटा? टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और ईडीटीए अपना, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा? अपने इसके पास में 6 डोनर एटम्स है, ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, अपने इसके जो डोनर एटम्स है वो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और डोनेट करके क्या करेंगे? ये अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, विच इज स्टेबल एंड 1:1 रेशियो का होता है, कलरलेस होता है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वाइन रेड कलर का जो ईबीटी का कॉम्प्लेक्स था वो चेंजेस टू क्या हो जाएगा बेटा? चेंजेस टू ब्लू। ब्लू क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ईबीटी हो क्या हो जाएगी? कम्प्लीट फ्री हो जाएगी। जब ईबीटी फ्री हो जाएगी और ब्लू कलर आ जाएगा तो ये हमारी टाइट्रेशन का क्या कहला रहा था? एंड पॉइंट कहला रहा था। ये हमने कम्प्लीट किया था कल लास्ट वाली क्लास के अंदर। सेकेंड टाइम हमने टाइट्रेशन, इस समय जो वॉल्यूम काम में आया था बेटा वो ध्यान रखना है, ईडीटी का वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए, इसको एक काम करते हैं पूरा ही लिखते हैं क्योंकि ये बार बार काम आने वाला है हमारा। कंप्लीट लिख देते हैं यहाँ पे, P1 इज द वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए अगेंस्ट, इसके लिए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है। फिर सेम टाइट्रेशन के अंदर हमने क्या किया था? टोटल हार्डनेस निकालने का काम किया था बेटा, और टोटल हार्डनेस के लिए हमने क्या लिया था यहाँ पे? ये 50 ml सैंपल की जगह क्या ले लिया था आपकी बारी? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की जगह हम क्या ले लेंगे? सैंपल हार्ड वाटर ले लेंगे। इस समय जो वॉल्यूम काम आया था सैंपल हार्ड वाटर के अगेंस्ट, वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए अगेंस्ट सैंपल हार्ड वाटर, सैंपल वाटर दैट इज कॉल्ड V2, तो उसको हमने क्या कहा था बेटा? V2 कहा था। थर्ड बार हमने टाइट्रेशन किसके लिए की थी?
हमने की थी टाइट्रेशन परमानेंट हार्डनेस के लिए, और परमानेंट हार्डनेस के लिए टाइट्रेशन करते समय हमने यहाँ पे क्या लिया था, क्या सैंपल लिया था? यहाँ पे हमें लिया था 50 ml ऑफ बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर। बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर कैसे बनाया था? हमने 250 ml वाटर बीकर के अंदर ले लिया था, उसको हमने बॉइल किया था। कब तक बॉइल किया? जब तक उसका वॉल्यूम आधा नहीं हो गया। जब भी उसका वॉल्यूम आधा हो गया था तो हमने क्या किया था, उसके अंदर उसको फिल्टर पेपर से फनल के अंदर फिल्टर पेपर लगा के उसको फिल्टर कर लिया था। आफ्टर फिल्ट्रेशन जो हमारे पास में टेम्पररी हार्डनेस, एज वी नो कि टेम्पररी हार्डनेस जो होती है बेटा किससे रिमूव हो जाती है, बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है। तो जब भी बॉइल किया तो टेम्पररी हार्डनेस क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट फॉर्म पे आ जाएगी, और जब उसको फिल्टर करोगे तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर देंगे। तो जो बचा हुआ पानी होता है, जो फिल्ट्रेट होता है हमारे पास में, उसके अंदर क्या होती है, ओनली परमानेंट हार्डनेस होती है। बट ये परमानेंट हार्डनेस कितने की है, 250 ml की। और अभी हमारे पास में जो रिमेनिंग वाटर है वो कितना है, 125 ml, हाफ वॉल्यूम है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 250 ml मेकअप करना पड़ेगा। 250 ml अप टू द मार्क हम लोग मेकअप कर लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, और उसमें से हम क्या लेंगे, सैंपल लेंगे, 50 ml बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर लेंगे। और इस समय जो ईडीटी का बड़ा वॉल्यूम काम में आया था, वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए यूज्ड अगेंस्ट बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर, वो क्या कहलाया था, V3, V1, V2, V3। यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड कि V1, V2, V3 है, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर कैलकुलेशंस। तो हमें V1, V2, V3 अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। नाउ वी आर डूइंग टुडेज एक्सरसाइज। अब हमको क्या करना था, इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो विल गो फॉर प्रोसीजर के बाद में, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन किया, फिर हमने प्रोसीजर किया, और अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, कैलकुलेशन बेटा किसके लिए करनी है, हम आप लोगों को फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला किसका बनाना है, टोटल टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस का हमें फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहली टाइट्रेशन जो की थी वो किसकी की थी आपने, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटी किया था। तो फर्स्ट विल गो फॉर कैलकुलेशन, यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ईडीटी। हम ईडीटी मैंने तो कह दिया आपको कि 3.72 ग्राम को हमने 1 लीटर वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर डिजोल्व करके m/100 स्ट्रेंथ का ईडीटी बनाया। बट आप लोग उसको चेक करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे थे ना, स्टैंडर्डाइजेशन करोगे और आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ईडीटी है हमारे पास में, जब हमने लिया था 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया था, तो उसके अगेंस्ट जो ईडीटी का वॉल्यूम काम में आया था वो कितना था, V1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, राइट। इसमें कोई गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही है ये? अच्छा, ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इसकी हार्डनेस कितनी थी बेटा, जब हमने इसको डिजोल्व करके बनाया तो इसकी हार्डनेस कितनी थी, 1 g/L कह लो, या कितनी थी, 1 mg/mL, राइट। यही चीज थी हमारे पास में, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टार मार्क कर लो। अब 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है तो बट नेचुरली कितने मिलीग्राम्स के बराबर होगा, 50 mg इन 50 ml होएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 mg इन 1 ml होता है, जब 50 ml है तो इसमें कितना होगा, 50 mg होगा। तो इस इक्वेशन को अब हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं कि V1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इक्वल्स टू 50 mg ऑफ हार्डनेस, को किसमें लेते हैं हम, CaCO3 इक्विवेलेंट की फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और यदि हमारे पास में V1 ml की जगह यहाँ पे कितना होता, 1 ml होता, तो 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाता बेटा, दैट इज 50 V1 mg ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और ये इक्वेशन हमारी बार बार काम में आने वाली है। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। 1 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन के अंदर कितने मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 डिजोल्व होंगे, दैट इज 50 V1 mg ऑफ CaCO3 आर डिजोल्व। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा, सभी को समझ में आ रहा है, प्लीज राइट डाउन इन योर चैट। ओके ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बोर्ड विजिबल हो रहा है बराबर से पूरा? ओके दिस इज ओवर अबाउट योर स्ट्रेंथ ऑफ ईडीटी. इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, जो किया वही लिखा था. 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, उसके अगेंस्ट ईडीटी का जो वॉल्यूम काम आया वो कितना था? 1 ml था. हमारे पास में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है, उसको हमने कितना घोल के बनाया? 1 ग्राम CH3 को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में घोल के बनाया. यहाँ 50 mg एंड 50 ml हो जाएगा. तो हमारे पास में यहाँ 50 ml के अंदर कितना होगा? 50 mg होगा. तो इसको लिख सकते हो P1 ml ऑफ ईडीटी सॉल्यूशन is equals to 50 milligrams of CHCO3 equivalent. और 1 ml of EDD, because strength निकाली है ना EDD की अपन को, तो 1 ml of EDD किसके बराबर होगा? 50 by V1 milligrams of CHCO3 equivalent के बराबर होगा. Now, second time calculations किसके लिए करोगे बेटा? Second time हम करेंगे, किसके लिए की थी हमने titration, किसके लिए की थी procedure के अंदर? और तो टोटल हार्डनेस की थी टोटल हार्डनेस के लिए. तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, टोटल हार्डनेस के लिए ही हम लोग क्या करेंगे, वापस से कैलकुलेशंस करेंगे. अब यहाँ क्या किया था हमने, 50 ml ऑफ कौन सा वाटर लिया था? सैंपल हार्ड वाटर लिया था. यहाँ सैंपल वाटर लिखा हुआ भी मिलता है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट. यहाँ पे सैंपल हार्ड वाटर या सैंपल वाटर लिखा हुआ हो सकता है. 50 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर कंज्यूम हाउ मच ऑफ EDTA? वॉल्यूम ऑफ EDTA यूजेस V2 ml. V2 ml ऑफ EDTA solution is used, right? ये दोनों equivalent है. अब हमारे पास में इस equation में 1 ml of EDTA किसके बराबर है? 50 by V1. From the equation number, from equation 3, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास में कि V2 ml of EDTA solution equals to क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 50 by V1 into V2 milligrams of CaCO3 equivalent. Equation number 3 क्या कहता है? 1 ml of EDTA solution equals to 50 by V1 होता है. तो V2 ml of EDTA solution is equals to 50 upon V1 into V2 milligrams of CaCO3 equivalent. There is any doubt? Clear है? अब हमारे पास में actual में कितना था अपने पास में? 50 ml of सैंपल हार्ड वाटर था. तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 into V2 by 50 mg of CaCO3 equivalent. और यहाँ पे 50 ml की जगह क्या आ जाता है आपके पास में? 1 ml आ जाता है. 1 ml of सैंपल हार्ड वाटर. अच्छा, ये 1 ml of हो जाएगा बेटा, एक सेकेंड. 50 ml of सैंपल हार्ड वाटर किसके बराबर था? 50 ml of सैंपल हार्ड वाटर इज इक्वल टू V2 था. तो यहाँ पे 1 ml is equals to क्या हो जाएगा? 1 ml of standard hard water, sample hard water is equals to 50 by V1 into V2 upon 50 आ जाएगा, क्योंकि ये 50 के equal था. 1 के equal करने पे upon 50 चला जाएगा, ठीक है? 1 ml of sample hard water equals to ये हो गया. और ये यदि हम 1000 के साथ करते, 1000 ml of sample hard water होता, तो बेटा formula क्या हो जाता हमारे पास में? V2 by 50 into 1000, ठीक है? 50 टू 50 क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता. ये 50 टू 50 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास में टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या आ जाता है? टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 इनटू 1000. इसके आगे हमें x लगाना पड़ता है. व्हाट अबाउट दिस x? x इज द अमाउंट ऑफ CaCO3 in grams to prepare standard hard water को बनाने के लिए CaCO3 का हमने कितना ग्राम घोला है 1 लीटर के अंदर, वो क्या कहलाता है? x कहलाता है. समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा. थोड़ा बहुत साहिल? यस, ओके साहिल, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वापस से बोलो, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. हाँ हाँ बेटा, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ उसको, अच्छे से देख लो. बिकॉज इसको अच्छे से समझ लोगे तो टोटल का हो जाएगा, तो परमानेंट एंड
टेम्परेरी सेम इसी के जैसा है। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये कैसे हो रहा है इसको अच्छे से समझ लो। आई एम रिपीटिंग द सेम टॉपिक अगेन। ओके, लुक ऑन द बोर्ड। हमारे पास में टोटल हार्डनेस हमें निकालनी थी, ठीक है। टोटल हार्डनेस निकालनी है, 50 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर लिया था बेटा, उसके अगेंस्ट मैंने टाइट्रेशन के अंदर बताया था जो वॉल्यूम इडीटी का काम में आता है वो क्या होता है, 3-2 ml ऑफ इडीटी सॉल्यूशन होता है। और इस अबव इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 में क्या निकाला हमने, 1 ml ऑफ इडीटी ए, 1 ml ऑफ इडीटी ए सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 50/V1 CaCO3 इक्विवेलेंट, मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। ये हमारे पास में ऊपर वाली इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को मैंने लिया, 1 ml ऑफ इडीटी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो V2 ml ऑफ इडीटी के सॉल्यूशन इस इक्वेशन के अंदर, V2 ml ऑफ इडीटी सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, 50/V1 × V2 कर देंगे हम लोग। और यही हमको क्या करना है, 1 ml निकालना है, 50 ml, ये जो है किसके बराबर है, 50 ml के बराबर है। ये हमारे पास में कितना लिया था, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड सैंपल हार्ड वाटर लिया था ना, तो ये हमारे पास में यहाँ पे 50 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर की जगह ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे ये जो चीज है हमारे पास में इसके इक्विवेलेंट है, ये 50 ml के इक्विवेलेंट है। 50 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर इज इक्वल टू 50/V1 × V2 मिलीग्राम्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट होगा हमारे पास में। ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, और मुझे क्या निकालना है, 1 ml के रेस्पेक्ट में निकालना है सैंपल हार्ड वाटर। तो 1 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर दिस अपॉन 50 कर दूंगी तो 1 ml के लिए आ जाएगा मेरे पास में। यही मेरे पास में 1000 ml सैंपल हार्ड वाटर है, तो मुझे निकालनी है इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना CaCO3 इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए मुझे × 1000 करना पड़ेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फॉर्मूला V2/V1 × 1000। V2 क्या है, V2 is the volume of क्या है बेटा, EDTA used against sample hard water. And what about this V1? V1 is the volume of EDTA used against, किसके against use किया है बेटा, ये वाला volume हमने, V1 is the volume of the EDTA solution used against standard hard water. Standard hard water के against use किया है, वो क्या है हमारे पास में, वो हमारे पास में V1 है, और sample hard water के against use किया हमने, वो क्या है, V2 है। तो V2/V1 × 1000। What about this X? यहाँ पर X क्या था हमारे पास में, 1 g/L था, इसलिए हम लोगों को इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी अलग से, क्योंकि 1 इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, इट इज सेम, रिजल्ट इज द सेम। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को यदि हमारे पास में 1 g की जगह 5 g गोला होता, 10 g गोला होता या 15 g गोला होता, तो उस समय हमको उसका अमाउंट लिखना पड़ता, यहाँ पे एक्स को हमको एड ऑन करना पड़ेगा। एक्स V2/V1 × 1000, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल हार्डनेस। ये हमको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख के हाईलाइट कर लेना है कि टोटल हार्डनेस जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एक्स V2/V1 × 1000। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? भव्या, इशिता, हेमा, आ रहा है समझ में बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, चलें अब आगे अपन परमानेंट हार्डनेस वाला करने के लिए। ये वाला डिक्टेट कर लो आप लोग फटाफट से, देन विल गो फॉर परमानेंट हार्डनेस। फटाफट से डिक्टेट कर लें आप लोग। एक सेकेंड बेटा, हाँ प्रश्नांशु देखो अभी दिख रहा है। ओ एक सेकेंड देखो। ओके, सभी का कंप्लीट हो गया हो बेटा लिखने का काम, तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे वाला टॉपिक ले आऊं।
होपफुली सभी ने लिख लिया होगा बेटा। चले आगे, आप लोग ने डिक्टेट कर लिया, राइट डाउन इन चैट। आज क्या बात है, सब सुस्त सो रहे हैं, सैटरडे है इसलिए कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, मैसेज नहीं। ओके, विल गो फॉर परमानेंट हार्डनेस बेटा। परमानेंट हार्डनेस अब परमानेंट हार्डनेस निकालनी है, और टोटल का फॉर्मूला तो आ गया आपके पास में। अभी वी विल गो फॉर परमानेंट हार्डनेस। अच्छे से देखना बेटा, इसके अंदर कोई चेंजेस ज्यादा नहीं कर रही है। दिस इज फॉर परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस के अंदर सेम की सेम कैलकुलेशंस रहेंगी, ठीक है। चेंज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर। ये ब्लू मार्कर दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड पर या नहीं दिखाई दे रहा है? ब्लू मार्कर दिखाई दे रहा है बोर्ड पर जो मैंने लिखा है बेटा या नहीं? या ब्लैक यूज करूं? क्या जवाब ही नहीं दे रहे हो आज, कहाँ हो? दिख रहा है, ओके। ये अपने पास में बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर है, और इसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम था वो क्या था बेटा हमारे पास में, वी टू की जगह भी क्या आ गया था हमारे पास में, वी थ्री आ गया था। आ गया था वी थ्री, ठीक है। यहाँ पे जहां पे भी वी टू आ रहा है हमको क्या ले लेना है उसकी जगह पर, वी थ्री ले लेना है। सेम कैलकुलेशन के अंदर वी टू की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी थ्री हो जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें वी थ्री बाय वी वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल की जगह हमारे पास में परमानेंट आ जाएगा। मैं वापस इसको क्लियर करती हूँ, समझाती हूँ इसको मैं। दिस इज द परमानेंट हार्डनेस। लुक यार, इसको परमानेंट हार्डनेस के लिए कैलकुलेशंस करना है हमको। परमानेंट हार्डनेस के लिए हमने 15 ml बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर लिया था, ठीक है। इसके अगेंस्ट ईडीडी का वॉल्यूम काम में आया था कितना था बेटा, V3 ml था, ओके। V3 ml of EDTA solution. अब equation number 3 जो हमारे पास में थी, 1 ml of EDTA solution कितना होता है? 50/V1 mg of CH3 equivalent होता है। ये हमने discuss कर लिया है, इसको हमने formulate कर दिया था। Now यहाँ पे V2 की जगह पे क्या आ गया बेटा हमारे पास में, V3 ml आ गया EDTA solution। तो V3 ml of EDTA solution किसके बराबर होगा, उसमें कितने milligrams of CH3 को satisfied करने की capacity, titration करने की capacity होगी, that is 50/V1 into V2 की जगह भी क्या आ जाएगा, V3 आ जाएगा। V3 milligrams of CHCO3 equivalent, और यदि 1 ml के लिए करेंगे तो upon 50 आ जाएगा, 1000 के लिए करेंगे तो multiply by 1000 आ जाएगा। और परमानेंट, इसको वापस सिंपलीफाई कर लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा x V3 upon V1 into 1000। क्लियर, सभी को समझ में आया परमानेंट हार्डनेस का और टोटल हार्डनेस का दोनों का फॉर्मूला क्लियर हो गया है? मेहुल, आ रहा है समझ में बेटा? फटाफट से इसको भी डिक्टेट कर लो जल्दी से, फिर टेम्परेरी हार्डनेस की कैलकुलेशंस करते हैं। मैं ऊपर ये स्ट्रेंथ ऑफ इडीडी हटा के यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस का काम कर रही हूँ। आप लोगों को अपने पास में जो डिक्टेट किया हुआ है टोटल हार्डनेस वाला, उसी को देख के वापस से आप लोग लिखें। केवल V2 की जगह भी क्या कर देना है, V3 कर देना है। Those places where we are putting the value V2 की जगह भी क्या कर दोगे, V3 कर दोगे। सैंपल हार्ड वाटर की जगह क्या कर दोगे, बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर कर दोगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट हार्डनेस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं टेम्परेरी हार्डनेस की कैलकुलेशन कर रही हूँ, तब तक ये वाला आप लोग कंप्लीट करें, फटाफट से डिक्टेट कर रहे हैं अपनी कॉपी के अंदर। Now, अब हमें मेन क्या काम करना है बेटा, तीन चीजें निकालनी थी, टोटल टेम्परेचर एंड परमानेंट हार्डनेस। नाउ हमारे पास दो चीजें तो आ गई है, बट अभी क्या रह गया है, क्या निकालनी है हमारे पास में, टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो हमने नहीं निकाली है, उसको हमें निकालना है, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी आपको, टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, परमानेंट हार्डनेस प्लस टेम्पररी हार्डनेस होता है, मालूम है ना ये चीज। अब इसका फॉर्मूला मेरे पास में है, इसका फॉर्मूला मेरे पास में है, तो विल गो फॉर टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस हम लोग निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टेम्पररी हार्डनेस आ जाएगी। टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या था बेटा, एक्स वी टू बाय वी वन इन टू थाउजेंड,
और परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था आपने, V3 बाय V1 इंटू 1000, यही फॉर्मूला बनाया था। सिंप्लीफाई दिस, इसके अंदर x और 1000 तो कॉमन आ रहा है, दोनों में एलसीएम ले लोगे तो V1 एलसीएम आ जाएगा, V2 माइनस V3 आ जाएगा। फॉर्मूला नया क्या बन जाएगा, V2 माइनस V3 अपॉन V1 इंटू 1000। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेम्पररी हार्डनेस। इज इट क्लियर? आ गया बेटा सभी को? टेम्पररी हार्डनेस का फॉर्मूला सभी ने लिख लिया है, समझ में आ रहा है? क्या बात है, सारे के सारे इतने मतलब ऐसे पड़े हुए हो, मतलब कोई जवाब भी नहीं, कुछ नहीं। माना सैटरडे यार, कमन, अभी लंच के बाद क्लासेस नहीं है ना, उसके बाद केवल एक असेसमेंट है आपका, उसमें बहुत आसान से क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसने क्लास अटेंड की है ना वो इजीली कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बी एक्टिव इन क्लास। हो गया हमारे पास में। अभी एक काम करो, सभी जने कॉपी के अंदर टोटल टेम्परेरी और परमानेंट तीनों का फॉर्मूला लिख के बताओ मेरे को, मैं सारा इरेज कर रही हूँ यहाँ से, कर दूँ इरेज? सभी ने डिक्टेट कर लिया है, हटाऊं इसको? चलो, वी आर गोइंग टू डू अ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ऑन इजी डेफिनेशन मेथड, हम न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले आप लोग सभी जने अपनी कॉपी के अंदर फॉर्मूलाज लिख लेंगे तीनों का। सभी जने एक बार फॉर्मूला लिख ले, हमने जो फॉर्मुलेट किए हैं। होपफुली सभी ने फॉर्मूले लिख लिए होंगे, यदि मैंने लिख लिए तो आप लोगों ने भी लिख ही लिए होंगे। ठीक है, अब इन फॉर्मूले में क्या चीज ध्यान रखनी है, 1 2 3, कई बार आप लोग क्या करते हो, गलती करते हो। इन सभी के अंदर आप देखो V1 जो है हर बार नीचे आ रहा है, V1 नीचे आ रहा है ना, नीचे V1 के सिवाय कुछ नहीं आ सकता, V1 नीचे आ रहा है। कई बार आप लोग फॉर्मूला लिखते समय V2 नीचे लिख लेते हो, V3 नीचे, इट इज नॉट पॉसिबल। तीनों ही फॉर्मूले के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, V1 नीचे आ रहा है। ठीक है, एक्स और 1000 ऊपर की तरफ रहते हैं। जब टोटल हार्डनेस की बात करेंगे तो टोटल हार्डनेस के अगेंस्ट जो ईडीडी का वॉल्यूम काम में आया था वो क्या था, V2 था, तो V2 ऊपर आया। परमानेंट हार्डनेस के अंदर ईडीडी का जो वॉल्यूम काम में आया था वो क्या था हमारे पास में, V3 था, तो V3 ऊपर आया। अब यहाँ पे टोटल वाला वॉल्यूम जो है बट नेचुरल, जिसके अंदर टेम्पररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस थी, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ईडीडी के अगेंस्ट, वो तो बट नेचुरल ज्यादा होगा, और जो हमारे पास में केवल परमानेंट हार्डनेस के लिए होगा V3 वो क्या होगा, कम होगा। तभी तो हम V2 को V3 में से माइनस करेंगे, मेनी ऑफ देम राइटिंग V3 माइनस V2, हाउ इट इज पॉसिबल, है ही नहीं पॉसिबल। V2 जो है वो वॉल्यूम है जो टेम्पररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है ईडीडी के साथ में, तो हम लोग इसको V2 माइनस V3 होता है, V3 माइनस V1 V2 नहीं होता है। ठीक है, और x क्या है, x के लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, इट इज अमाउंट ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, अमाउंट ऑफ CaCO3 टू प्रिपेयर, क्या बनाया है इससे हमने, टू प्रिपेयर इन ग्राम्स, ये ध्यान रखना, हमेशा ग्राम्स में ही लिखेंगे, इन ग्राम्स टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को बनाने के लिए जो आपने CaCO3 का वॉल्यूम काम में लिया वो क्या था हमारे पास में, एक्स था। ठीक है, कम ऑन, अभी न्यूमेरिकल लिखो, एक राइट डाउन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिखाते हैं हम आपको। ठीक है, जिस तरह आरटीयू के अंदर पूछा जाता है उसी तरह से लिखवा रही हूँ, आप लोगों को डिक्टेट करना है, राइट डाउन इन योर कॉपी, और स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ऑल ऑफ यू राइट डाउन योर कॉपी, अ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 5 ग्राम्स ऑफ CaCO3 पर लीटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ CaCO3 पर लीटर।
20 ml of this solution require 25 ml of EDTA solution. ठीक है, 100 ml ऑफ सैंपल वाटर और सैंपल हार्ड वाटर, वो सैंपल जिसकी हार्डनेस आपको निकालनी थी, वो सैंपल जो मैंने दिया या आप लोग लेके आए, दैट इज सैंपल वाटर रिक्वायर्ड 18 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। ठीक है, द सैंपल आफ्टर बॉइलिंग रिक्वायर्ड 12 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। कैलकुलेट टोटल टेम्परेचर इन परमानेंट हार्डनेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैलकुलेट टोटल हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, हमको ये सारी चीजें निकालनी है। अब फॉर्मूले हमारे पास में है, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक्स की रिक्वायरमेंट है, वी वन की रिक्वायरमेंट है, वी टू की रिक्वायरमेंट है और वी थ्री की रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास में। एक्स क्या होता है हमारे पास में, एक्स क्या होता है बेटा, एक्स इज द अमाउंट ऑफ CaCO3 टू डिजोल्व विच इज डिजोल्व इन 1 लीटर टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को बनाने के लिए, 1 लीटर बनाने के लिए कितना ग्राम आपने CaCO3 को घोला, वो क्या कहलाता है हमारे पास में, वो एक्स कहलाता है। यहाँ पे क्या अमाउंट दिया हुआ है बेटा हमारे पास में, यहाँ पर दिस इज 5 ग्राम्स, तो हमको क्या लिख लेना है, यहाँ पे 5 ग्राम लिख लेना है। अब V1 क्या होता है, दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ EDTA अगेन, वॉल्यूम ऑफ EDTA अगेंस्ट किसके, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के अगेंस्ट V1 चाहिए, कितना बोल रहा है इसने, 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। क्या लिखा है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 5 ग्राम, 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सोल्यूशन। यदि हमारे पास में 20 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है तो उसको EDTA कितना चाहिए बेटा, 20 ml। मैं इसको इधर से लिखती हूँ ताकि इसको क्लियर कर पाए हम लोगों को। ट्वेंटी एम एल ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ EDTA, ये इसने बोला है ऊपर। फिर क्या हुआ, फिर इसने बोला 100 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 18 ml ऑफ EDTA। ठीक है, फिर से क्या बोला है, द सैंपल आफ्टर बॉइलिंग, दैट मीन्स 100 ml ऑफ बॉइल्ड सैंपल हार्ड वाटर रिक्वायर्ड कितना, 12 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है बेटा? हम लोगों ने जो प्रोसीजर फॉलो अप किया था तो एक चीज आपने देखी होगी, जब कॉनिकल के अंदर हमने वाटर का सैंपल लिया है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया या बॉइल्ड सैंपल लिया था, तो सभी समय हमने क्या किया था, सेम वॉल्यूम लिया था उसका, 50 50 50। यहाँ पर वॉल्यूम सेम दिख रहा है क्या बेटा, 20 ml के अगेंस्ट 25 चाहिए, 100 के अगेंस्ट 18 चाहिए, 100 के अगेंस्ट 12 चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको इक्वेट करने के लिए मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को क्या करूं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 125 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज? या फिर मैं क्या करूं, इनको डिवाइड बाय 5 कर दूं तो ये 20 हो जाए, पर डिवाइड बाय 5 करने पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन, तो विल गो फॉर कि अपन 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 ml हो जाएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें
B1 is the volume of EDTA against standard hard water. 100 ml standard hard water है, तो उसके अगेंस्ट जो EDTA का वॉल्यूम काम है वो कितना हो गया हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई बाय 25, इट इज 125 ml हो गया बेटा. एंड व्हाट अबाउट द V2? V2 कितना है हमारे पास में 18 ml है. एंड V3 कितना दिया हुआ है 12 ml दिया है. Put the values in the formulas. You have the तीनों formulas आपके पास में ऊपर लिखे हुए हैं तीनों. You will put the values of x, v1, v2 and v3 and find out the answer. फटाफट से calculations करके मुझे दिखाएं कि क्या answers आ रहे हैं बेटा. सभी को समझ में आया है? Any doubt? If you are having any doubt, please unmute yourself. Anyone? ओके, डू द कैलकुलेशंस, फटाफट से कैलकुलेशंस करके दे मेरे को और आंसर्स बताएं क्या आ रहा है. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है. रौनक गुप्ता, कोई कैलकुलेशंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? ओके, राजवर्धन कर रहा है. इसका आंसर आ रहा है 40. हाउ इट इज 40? चेक इट अगेन, वापस से करो बेटा, कहीं कुछ खोटा गड़बड़ किया है. चलो आई विल ट्राई. चलते हैं अपन. यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 5 थी, v2 की वैल्यू मेरे पास में 18 थी, यहाँ पे मेरे पास v1 की वैल्यू 125 थी. इंटू 1000 किया, सॉल्यूशंस बताएं क्या आ रहा है. यहाँ पे 5 आ गई, V3 की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 बाय 125 इंटू 1000 कर दो तो अपने पास में आ जाएगी मोमेंट हार्डनेस एंड वी विल गो फॉर दिस. तो V2 कितना है हमारे पास में 18 एंड V3 कितना है 12, तो 18 माइनस 12 बाय 125 इंटू 1000. राइट डाउन द आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके, बताएं मेरे को. राइट डाउन योर चैट. यस, परमानेंट हार्डनेस इज 480, बिल्कुल सही है. टोटल हार्डनेस कितनी आ रही है बेटा 720 आ रही है. एंड व्हाट अबाउट दिस टेंपरेरी हार्डनेस, इट इज 240 बराबर 250 ppm. यू शुड मेंशन इट्स यूनिट, हार्डनेस की यूनिट जो होती है वो पार्ट्स पर मिलियन होती है, तो अपनी जो इसकी जो यूनिट है वो लिखना नहीं भूलें, या मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो आप. मिलीग्राम पर लीटर का मतलब ही होता है आपके पास में पार्ट्स पर मिलियन. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना कैलकुलेशन को, जब भी आती है तो उसको रीचेक करना है मुझे न्यूमेरिकल को कि सही है कि गलत है, तो इन दोनों को एड ऑन करके देख लो वो टोटल के बराबर आनी चाहिए. तो आपका आंसर क्या है, सही है. इन दोनों को प्लस करके देख लो ये इसके बराबर आएगी, या इन दोनों को माइनस करके देख लो ये इतनी ही आनी चाहिए. ऑन दैट टाइम योर आंसर इज राइट. सभी क्या आ रहा है बेटा आंसर, एनी डाउट? यस, इजी न्यूमेरिकल बेटा, बट इजी न्यूमेरिकल भी बच्चे जो हैं वो नहीं करते हैं कई बार, बिकॉज v1 v2 v3 में कंफ्यूज हो जाते हैं वो. v1 v2 v3 में कन्फ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, बट स्टिल दे कंफ्यूज अबाउट v1 v2 v3. एंड x की वैल्यू जो है वो कई बार मिलीग्राम्स में दी हुई होती है, तो यू विल गो थ्रू सीधा ही ऐसे ही लिख देते हो, तो ऐसा नहीं. ये न्यूमेरिकल के अंदर केवल अपने v1 v2 v3 और x की वैल्यू में पता है, तो वी विल डू दिस न्यूमेरिकल. और डेफिनेटली इसका यदि मेन पूरा प्रोसीजर ये नहीं पूछता है तो न्यूमेरिकल ना पूछे ऐसा नहीं होगा. समथिंग इस मतलब पेपर के अंदर कुछ ना कुछ ईडीटी से रिलेटेड तो टॉपिक आना ही आना है. एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स जो है वो ईडीटी से रिलेटेड टॉपिक आना ही आना है, फिक्स है ये. ठीक है, चलो 5 मिनट दोगे क्या मेरे को आज, ताकि मैं अपन क्या करें रिविजन कर लें. इफ यू ऑल एग्री विल गो फॉर रिविजन, टॉपिक जो है उसका रिविजन कर लें. परसों करते हैं ना मैम, ठीक है, विल डू ऑन मंडे. चलो ठीक है, आज वही क्लास के अंदर कोई डाउट नहीं है किसी को भी,
एक न्यूमेरिकल और दे दूं क्या, मैं कर लोगे लाइक होमवर्क? नहीं? हाँ या ना? यस मैम, ओके, राइट ऑन वन न्यूमेरिकल विच इज आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड, यू ऑल शुड राइट ऑन इन योर कॉपी। अ स्टैंड अ हार्ड वाटर, राइट डाउन योर होमवर्क न्यूमेरिकल। डेटा भी सारे मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, तो यू विल फाइंड आउट द आंसर क्या होएगा। अ स्टैंड अ हार्ड वाटर कंटेन 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स ऑफ CaCO3 पर लीटर, 15 ग्राम ऑफ CaCO3 पर लीटर, 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड, 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन, 20 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन। फुल स्टॉप। 100 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर, 100 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन, 10 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन। सैंपल आफ्टर बॉइलिंग, सैंपल आफ्टर बॉइलिंग रिक्वायर्ड 5 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन, 5 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन। कैलकुलेट टोटल टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस, कैलकुलेट टोटल टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। होपफुली मेनी ऑफ देम जो है वो अभी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा लिसन, आप लोगों को सभी को ये पूरा टॉपिक जितना पढ़ाया है अभी तक का सारा रिवीजन करके आना है। व्हेन यू आर गोइंग टू द स्टडी मटेरियल सेक्शन, स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहां पे मैंने यूट्यूब का, मेरे यूट्यूब का लिंक भी दे दिया है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर नए जो वीडियोज, अभी वाले जो वीडियोज बन रहे हैं वो भी मैं यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगी। आज लास्ट क्लास वाला जो था वो भी मैंने डाल दूंगी आज मैं, और आज वाला है वो भी मैं डाल दूंगी। तो आप उस चैनल पे जाके डॉक्टर चारू का मेसरा यूट्यूब पे जाके आप आराम से इजीली देख सकते हो। इवन आई मैंने आपको अपना जो लिंक है वो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर यूट्यूब लिंक वाला में लिंक दे दिया है एज वेल। थर्ड जो मटेरियल है इमेजनी, और थर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन, उसके अंदर मैंने पूरे के पूरे नोट्स भी आपको शेयर कर दिए हैं। जो टॉपिक अभी पढ़ाया है उसका पूरा का पूरा नोट्स भी मैंने शेयर कर दिया है, तो यू विल गो थ्रू दैट नोट्स ऑल्सो। वो नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना, मंडे को इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकती हूँ, तो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लें, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। यदि इस टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं किया, ठीक है, यहाँ तक मेरे को जवाब नहीं आया आप लोग के, ये क्लास के स्टूडेंट 20 और 30 दिखे, कम दिखे, तो विल नॉट गो फॉर फर्दर। तो ऐसे केस के अंदर क्या होएगा, सेकेंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, तो आप लोगों को कंप्लीट करना है वो टॉपिक अभी तक का, ठीक है? चलो एंड करते हैं क्लास को, बाय बेटा।